आपके सामने डिटरमिनेंट्स का एक ऐसा क्वेश्चन आपके सामने है जो कि अपने आप में ज्यादा स्मार्ट बनता है, ठीक है ना। और इसके स्मार्टनेस की वजह से कई स्टूडेंट धोखा खा जाते हैं और उनका समय यह क्वेश्चन बर्बाद कर देता है, ठीक है ना। यह क्वेश्चन स्टूडेंट का समय बर्बाद कर देता है जिससे कि मुझसे देखा नहीं गया और इस क्वेश्चन का वजूद हम मात्र 2 सेकंड के लिए रखें, मात्र 2 सेकंड के लिए इस क्वेश्चन का वजूद है। इसको बहुत घमंड था इस क्वेश्चन का कि हम स्टूडेंट का ज्यादा से ज्यादा टाइम टेकन कर लेंगे, लेकिन ऐसा हम होने नहीं देंगे। इस क्वेश्चन को देखिए इस तरह बनाएंगे कि यह सोचा नहीं होगा, ठीक है ना, यह सोचा नहीं होगा कि मेरा इतना जल्दी मेरा सर्वनाश हो जाएगा। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलता है ना, तो आप इसमें क्या कीजिएगा ना कि एक्स का वैल्यू आपके मन में जो भी आता है वह पुट कीजिएगा, लेकिन वैसा वैल्यू पुट कीजिएगा ना कि जो कि आपको सुविधाजनक हो, ठीक है ना, न कि ऐसा कि आप लोग रूट में रख दीजिए, लॉग में रख दीजिए, जो कि आप खुद से ही क्वेश्चन को और देखो तो डिफिकल्ट लग ही रहा है और ऊपर से और ही हार बना दीजिए, वैसा नहीं। आपको x का मान वैसा रखना है जो कि सुविधाजनक हो, जैसे 0, 1, -1, -2, 3, ऐसे ई वाला वैल्यू रखने पर जानते हैं क्या होता है, ज्यादा सुविधा होता है, गुना करने में कटाने में बहुत आसानी होता है। तो हम यहाँ अपने मन से x का मान क्या रखेंगे, -1 रखेंगे। आप लोगों का जो भी मन होगा रख लीजिएगा, लेकिन नंबर ये प्राकृत संख्या में ही रखिएगा, मतलब कि या माइनस में रखिएगा नहीं तो प्लस में रखिएगा, ऐसे ही रखिएगा। तो यहाँ देखिए -1 +1 -1 +2, यहाँ -1 +4, यहाँ -1 +3, -1 +5, -1 +8, -1 +7, -1 +10, -1 +14, हो गया ना। इसको जरा हम आप लोग सॉल्व कीजिएगा, तो यहाँ 0 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 6 आएगा, यहाँ 1, यहाँ 4, यहाँ 9, यहाँ आपका 3, यहाँ आपका 7, यहाँ आपका कितना हो जाएगा जी, 13 हो जाएगा। तो अब देखिए हम क्या करेंगे ना कि इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व हम जानते हैं इस 1 और 3 को लेके ओनली सॉल्व करेंगे। तो -1 लेंगे, तो -1 लीजिएगा तो ई वाला आपका बंद होगा, ई वाला बंद होगा ना, तो 13 × 2 = 26 और माइनस 7 × 6 = 42 हो गया। अब प्लस का आप लोग 3 लीजिएगा, तो प्लस का 3 लीजिएगा तो ई वाला बंद होगा, तो 9 × 2 = 18 और माइनस का 24 ई वाला होगा। तो अब देखिए -1 आ ई घटेगा तो कितना होगा, 26 और मान लीजिए कि 4 = 30 और 10 = 40 और 2 × 9 = 10 तो 10 × 4 = 14 = 16 होगा, माइनस का 16 आ प्लस 3 18 − 24 18 × 2 = 20 माइनस का 6 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा जी, प्लस का 16 और माइनस का 18 कितना आया, -2 आया। तो -2 आया, तो अब देखिए -2 आपका आंसर होगा नहीं जब तक कि आपको ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कराइएगा, ठीक है ना। यदि ऑप्शन में कहीं -2 है तब हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए में हमारा आप लोगों को दिख रहा है -2, तो इसको अभी होल्ड करेंगे, ठीक है ना, इसको अभी होल्ड करेंगे। ऑप्शन बी में क्या है, x² + 2, यानी -1² + 2, यानी अब जो x का मान आप यह रखे हैं इसको ऑप्शन में भी रखना है, और जिस ऑप्शन में रखने से -2 आ जाएगा वही आपका राइट आंसर होगा। तो 1 + 2 कितना आया, 3, तो आपका ऑप्शन बी नहीं होगा, सी में 2 है नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, क्योंकि ऑप्शन ए में ही बताइए कि -2 है। तो एक्स का मान आप कुछ भी रखिएगा तो क्या होगा, -2 ना आएगा, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो बताइए क्वेश्चन का वजूद कितना था, कितने में यह मिट गया, आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन के लिए आप इस चैनल को आगे बढ़ाते रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा कि ओनली ट्रिक क्वेश्चन को ट्रिक से ही उड़ा देंगे।